गुड मॉर्निंग, राम राम। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी स्वस्थ हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। और दोस्तों, मेरे पीछे आप घर देख के जान गए होंगे आज मैं कहाँ हूँ। दोस्तों, मैं आज नेपाल बॉर्डर पर अपने दोस्त के वहाँ आया हुआ हूँ। दोस्तों, आज संडे था, मेरे ब्लॉक के स्टाफ के कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे। हम लोग बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे हैं। अभी देखिए कहाँ चलते हैं, सब दिखाते हैं ब्लॉग में, बने रहिए। यहाँ का रहन सहन भी अभी दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे सब हमारे मित्र लोग बैठे हुए हैं। ये हमारे दीपक सर हैं इधर बैठे हुए, इधर देखिए। हम लोग सब लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से, और यहाँ का रहन सहन आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये जानवरों के लिए यहाँ पे पैरा रख दिया जाता है। बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ का घर। और ये देखिए भूसा, देखिए किस में भरे हुए हैं जानवरों के लिए। ये सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं और ऊपर सब भूसा लगा हुआ है, और नीचे इंजन वगैरह भी रख देते हैं सब। तो यहाँ के जो घर हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही अच्छा लुक लगता है यहाँ का। तो आप लोगों को दिखाता रहूँगा, आप ब्लॉग में बने रहिए हमारे। ये देखिए, ये अभी अब नए डिज़ाइन का घर बन गया है, लेकिन पुराने डिज़ाइन का इधर बना हुआ घर है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा सियाराम भक्ता है साथ में। और ये देखिए इधर, देखिए पुरानी डिजाइन की चीज़ हैं, ये मछली पकड़ने के भी काम आ जाती हैं। इधर बिल्कुल नेपाल बॉर्डर की सुंदरता का कहा जाए तो कुछ जवाब नहीं, आपके पास शब्द नहीं है उसकी तारीफ़ करने के लिए। देखिए बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं यहाँ पे। अब हम लोगों को आगे चलना है, देखिए दोस्त लोग कहाँ लेके चलते हैं, आपको सब दिखाएंगे। दोस्तों, हम लोगों की गाड़ी देखिए इधर खड़ी हुई है, दीपक सर की गाड़ी है ये। और अभी चल रहे हैं हम लोग ग्वारीफंटा में गाड़ी खड़ी कर देंगे, वहीं से आगे चलते हैं। ये देखिए रास्ता से नेपाल को गई। दोस्तों, फाइनली डिसाइड हम लोगों का हुआ है नेपाल जाने का, तो हम लोग नेपाल जा रहे हैं। देखिए सब लोग, दोस्त लोग बैठे हुए हैं, और ये हमारे दीपक सर गाड़ी चला रहे हैं इधर। तो हम लोग पहुंच रहे हैं, पहुंच के ही आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत ही लंबी जाम लगती है ग्वारीफंटा तक। ग्वारीफंटा हम लोग पहुँच चुके हैं, कितनी लंबी जाम लगती है। हम लोग मेन बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं, अभी अंदर एंट्री लेंगे। ये सब बड़े वाहन की जाम लगी हुई है, सब शायद रात में इनको एंट्री हो नेपाल में। अभी एंट्री नहीं हो सकती इनकी, बड़े वाहन हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। दोस्तों, हम आ चुके हैं ग्वारीफंटा बॉर्डर पे, और यहाँ हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी है, और इधर गाड़ी खड़ी कर दी है, और अब चलेंगे अंदर। ऑटो से कर लेते हैं किसी से, क्योंकि फोर व्हीलर अंदर नहीं ले जाएंगे हम लोग, और उधर के वाहन से ही जाएंगे। और जा रहे हैं फन सिटी टहलने के लिए, बहुत ही आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं फन सिटी, वहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए ऑटो में बैठ चुके हैं हम लोग, और हमारे दोस्त लोग भी हैं। ये देखिए सभी दोस्त लोग हैं। इस समय हम लोग धनगढ़ी में चल रहे हैं। देखिए फैंसी का गेट है, मेन गेट, यहाँ इधर टिकट मिलती है। अभी चल रहे हैं, टिकट लेंगे। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, चल रहे हैं दोस्तों टिकट लेते हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हो ये गेट है फैंसी का, यहीं पे हम लोग यहाँ आ चुके हैं, यहीं पे एंजॉय करेंगे। बहुत फुल एंजॉय आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर भैया टिकट ले रहे हैं, ये देखिए टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर। देखिए हमारे दुर्गेश सर टिकट लेने वाले हैं, टिकट लीजिए, उनकी एंट्री हो जाएगी अंदर के लिए।
और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, गजब बहुत ही बड़ा बना हुआ है भाई। यहाँ पे देखिए अधिकतर इंडियन ही ज़्यादातर आए हुए हैं, यहाँ पे संडे को सब इंडियन ही आते हैं। और ये देखिए मेन गेट है, इधर से ही हम लोग आए हुए हैं, इधर ये कैंटीन है। देखिए यहाँ से हम लोगों को ड्रेसें मिल रही नहाने के लिए, ये सब ड्रेस वगैरह यहाँ से मिल जा रही हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे मुनीश मिल गए हैं और हम ये तो अब निकल रहे हैं यहाँ पे एंजॉय करके। हम लोग अब आए हैं, थोड़ा लेट हो गए और अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं पहले लॉकर में अपने कपड़े वपड़े रख देते हैं, उसके बाद में सर जी इधर देखो जाओ। हाँ हाँ दीपक सर पूरा तैर रहे हैं, ये देखिए तैरने मजा ले रहे हैं। वाह अरे वाह, देखिए कितना मजा आ रहा है दीपक सर को। अभी बैठा हुआ हूँ, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा। ये देखिए सब लोग खड़े हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार पानी है यहाँ का दोस्तों, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और ज़्यादा गहरा पानी नहीं है और बहुत ही क्राउड एरिया है यहाँ पे, हाँ वहाँ से चलना पड़ेगा, चलते हैं वहाँ पे। ये हमारे मित्र रामचरण जी हैं और ये दीपक सर हैं, ये हरि भैया हैं उधर, और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ इसमें। देखिए यहाँ कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, उधर देखिए रील बन रही हैं कुछ लोग। ये देखिए बच्चा आया हुआ ऊपर से, ये आ रहा देखिए छोटा सा बच्चा, ये दोस्तों यहाँ पे देखिए भैया एक डिप्स मार रहे हैं, ये देखिए डांस करते करते डिप्स मारने लगे। उधर देखिए लहर चालू हो गई है, लहर आने लगी है, तो उधर चलते हैं एंजॉय करते हैं। और इधर सब रील बना रहे हैं बहुत बढ़िया से, सब बढ़िया से। ये देखिए लहरें, ये देखिए लहरें, समझ नहीं पा रहे लोग हैं, ये देखिए बहुत ही डेंजर ले रहे हैं। ओ ये देखिए बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई, अब
Yeah. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. अबे इस पे पिछले अरुण हाथ छोड़ दिया था। हाँ नहीं जाओ। चलने के लिए आओ, खुशी देखो और यहाँ दोस्तों हम लोगों ने वाटर पार्क में फुल एंजॉय किया और अब निकल रहे हैं। बाहर जाने का समय हो चुका है, लगभग 4:30 बज चुका है और अपने इंडिया भी पहुंचना है क्योंकि इस समय नेपाल में हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।